गुरु खालसा सत संगत जीओ, आपां सारे महापुरख जथेबंदियां श्री अकाल तख्त साहिब जी दी बेसमेंट दे विच बहुत संजीदा मसला ते विचार करन दे लई एकत्र होए हाँ। सब तो पहला दास की फतेह प्रवान करनी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला दास ये बेनती करेगा, कलगीधर पातशाह साहिब कमाल ने सचखंड श्री हजूर साहिब जी की पावन धरती ते खालसा पंथ नूं समुचे सिख जगत नूं हुक्म कीता है, आग्या पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिब साढ़े सतगुरु ने सिख की परिभाषा यही कहती है बई जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु मंदा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं दसो पातशाहियां दी जोत आत्मक जोत समझदा उही गुरु दा सिख है। पर अज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उत्ते उंगलां उठाईयां जा रहियां ने, गुरबाणी दे मूल रूप नूं बदल के लगा मात्रां बिंदियां टिप्पियां लगा के उचारण दे लई प्रेरणा दित्ती जांदी है। पर मैं एक बेनती करांगा, गुरबाणी दे मूल रूप नूं किसी एक अक्षर ते लग मात्र नूं बदलन दा किसी व्यक्ति नूं किसी संस्था नूं किसी जथेबंदी नूं अधिकार नहीं है। इस वास्ते जे आपां समझदे हाँ आ पुल गुरु करतार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी संपूर्ण हाजर नाजर प्रतख प्रगट गुरां की देह हन, फिर आपां नूं मिल बैठ के जिवें हुण सारा पंथ अकाल तख्त साहिब जी दी अगवाई विच पंजे तख्त साहिबानां दे जथेदार सिंह साहिबानां दी मौजूदगी विच आपां कतर होए हाँ, इसे तरह ही विचार होनी चाहीदी है। मैं ये भी बेनती करांगा, गुरु ग्रंथ साहिब साढ़े सारे पंथ दे गुरु ने ते आपां नूं व्यक्तिगत संस्थागत जथेबंदक मतभेद छड के ते बहुत संजीदगी दे नाल इस मसले ते विचार करनी चाहीदी है, ते उस विचार दे अधीन सद्भावना दे माहौल दे विच सानू इहदे बारे विचार करनी चाहीदी है। सहज विच संजम दे विच सत्कार दे नाल सानू शब्द बोलने चाहीदे ने, क्यों गुरु ग्रंथ साहिब सारे पंथ दे गुरु ने, किसी संस्था दे व्यक्ति दे गुरु नहीं हन, ते आपां नूं पंथक तौर ते ही सारे मतभेद भुला के ते सानू इह जरूर फैसला करना पवेगा भई गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उत्ते कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती, कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इहदे उत्ते जो भी अकाल तख्त साहिब वालों साढ़े सिंह साहिबान जो भी प्रोग्राम देंगे वह सानू प्रवान करना चाहिए, सारे पंथ का सिंह साहिबान का सारे महापुरखों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद है बाबा अवतार सिंह बाई जी होरां दा जिन्हां ने अपने विचार आप जी दे सन्मुख रखे ने। हुण मैं बेनती करा मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब वो आप जी दे नाल कुछ विचार साझे करनगे। मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब बोले सो निहाल।